और भी क्या हाल चल आप सबका, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज की वीडियो बड़ी एक्साइटिंग होने वाली, क्योंकि आप देख सकते हो टेबल पे इतने सारे पेडल्स हैं और पहली बार इस चैनल पे मैं बात करूंगा पेडल बोर्ड सेटअप की, पेडल्स को कैसे अरेंज किया जाता है, किस तरह आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से जो है पेडल्स को अरेंज कर सकते हैं, पेडल्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक गिटार के पेडल्स है, कुछ बेस गिटार के पेडल्स है और इवन कुछ अकूस्टिक गिटार के पेडल्स है, और इन सब पेडल्स को सेटअप करने के लिए मैं यूज करूंगा डियर डायरियो के एक्सपैंड 1 और एक्सपैंड 2 पेडल बोर्ड। स्पेशल थैंक्स टू डियर डायरियो फॉर सेंडिंग दीज पेडल बोर्ड्स। ये जो पेडल बोर्ड्स है, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल पेडल बोर्ड्स, क्योंकि ये जो है काफी ड्यूरेबल है। इसके अलावा यहाँ पे जो सबसे हाईलाइटिंग फीचर है वो है इनकी एक्सपेंडिंग कैपेबिलिटी। तो यहाँ क्योंकि ये पेडल बोर्ड्स एक्सपैंड कर जाते हैं, इस वजह से जो है आप अपनी जो रिग है उसको काफी वर्सेटाइल और काफी फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो एक्सपैंड 1 और एक्सपैंड 2 है, इसमें बस बेसिक डिफरेंस है कि जो एक्सपैंड 1 है वो एक सिंगल रो पेडल बोर्ड है, ये जो है काफी पोर्टेबल रहता है, काफी मिनिमलिस्टिक रहता है। और इसके अलावा जो एक्सपैंड 2 है, ये जो है भाई डबल रो पेडल बोर्ड है, इसमें जो है आप काफी सारे पेडल्स लगा सकते हैं। तो चलो सबसे पहले जो है एक्सपैंड 2 को अनबॉक्स करते हैं और इसको असेंबल करते हैं। तो भाई यहां पे जो है बड़ी सारी यहां पे चीजें आपको देखने को मिल जाती है राइट आउट ऑफ द बॉक्स। यहां पे जो है आपको कुछ केबल ऑर्गेनाइजर्स देखने को मिलते हैं, इसके अलावा यहां पे वेलक्रो देखने को मिलती है, और इस तरफ जो है यहां पे एक ये एलन की है, और यहां पे भाई बड़े सारे स्क्रूज हैं, और यहां पे असेंबली इंस्ट्रक्शंस भी दे रखी है जिसको हम भाई स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। तो भाई इंस्ट्रक्शंस से आइडिया लग गया है क्या करना है। तो यहां पे जो है आपको चार रेल्स मिल जाती हैं, और यहां पे जो है ना डियर डायरियो का लोगो आएगा फ्रंट में। तो देख ले भाई कौन से वाली बार पे डियर डायरियो का लोगो है, तो ये जो है ये फ्रंट में आएगा, और यहां पे जो लॉक है वो अंदर की तरफ आएगा। इसी तरह यहाँ पे थर्ड रो में लॉक होगा, ये अंदर की तरफ आएगा। तो चलो इसको फटाफट असेंबल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे भाई ये हमें इसको हल्का सा ओपन कर लेना है, इसके बाद सबसे पहले ये वाली अटैचमेंट लेंगे। यहाँ पे मैं सबसे पहले एंड्स पे स्क्रू लगा रहा हूँ ताकि एक स्टेबिलिटी मिल जाए स्ट्रक्चर को, और फिर जो है टोटल यहाँ पे आपको 8 स्क्रूज लगाने हैं। तो भाई एक अटैचमेंट लग गई, अब फटाफट एक और अटैचमेंट लगाएं। इस आउटर प्लेट में भी आपको टोटल 8 स्क्रूज लगाने होंगे। तो यहां पे सब कुछ लग गया, बस ये पार्ट रह गया है, इसको भी फटाफट लगा लेते हैं। और सिमिलरली यहां राइट हैंड साइड पे भी आपको टोटल 8 स्क्रूज लगाने होंगे। और फाइनली यहां पे मैं लगा रहा हूं रबर फीट, और इस पेडल बोर्ड को असेंबल करने में आपको अराउंड 15 टू 20 मिनट्स लगेंगे। तो फाइनली पेडल बोर्ड असेंबल हो गया। अब मैं आपको इसका सबसे कूल फीचर दिखाता हूं। तो यहां पे आपने इन दो लॉक्स को खोलना है और इसको इधर से खींचना है, और वाह भाई वाह, कितना बढ़िया हो गया ना, मतलब 2 सेकंड में एक्सपैंड हो गया, और आप जो है फटाफट अपने पेडल्स को ऐड कर सकते हैं इसको एक्सपैंड करके। अब यहाँ एक्सपैंड 1 को अनबॉक्स करें तो आपको एक्जैक्टली सेम पैकेजिंग देखने को मिलेगी, बट इन अ स्मॉल फॉर्म फैक्टर। तो यहाँ वही सेम अटैचमेंट्स है, बस यहाँ पे अब आपको 2 रेल्स मिल रही है और स्टेप्स वही फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है ये वाली प्लेट लगाएंगे, और यहाँ 8 की जगह अब आपको सिर्फ 4 स्क्रूज लगाने हैं। इसके बाद जो है ये आउटर वाली प्लेट लगाएंगे, इसमें भी 4 स्क्रूज लगेंगे, और यहाँ राइट हैंड साइड पे भी आउटर प्लेट लगाएंगे, यहाँ पे भी 4 स्क्रू लगेंगे। एंड फाइनली जो है आप रबर पैड्स इंस्टॉल कर देंगे नीचे की तरफ, और अपना एक्सपैंड 1 इज रेडी टू यूज। तो अपने दोनों पेडल बोर्ड्स असेंबल हो गए, अब फटाफट बात कर ले स्पेसिफिकेशंस की। तो यहां पे ये जो एक्सपैंड 1 और 2 है ये बने हैं एल्यूमिनियम से, तो काफी ड्यूरेबल है, काफी सॉलिड है, और ये जो है गिग वर्दी है, रोड वर्दी है। तो फुल एल्यूमिनियम बॉडी इज अ प्लस पॉइंट। और यहाँ पे ये जो दोनों पेडल बोर्ड्स हैं ये आपको ब्लैक और सिल्वर के कलर कॉम्बिनेशन में देखने को मिल जाते हैं, जो कि ओवरऑल एक काफी प्रीमियम लुक देते हैं इन पेडल बोर्ड्स को। अब यहाँ पे बात करें इनके मेन फीचर की, जो कि ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूं कि ये कितने इजिली एक्सपैंड हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ये डियर डायरियो एक्सपैंड 2, ये जो है बिना एक्सपैंड करे जो है 17 इंचेस है, और आप जो इसको फुली एक्सपैंड करते हो तो ये जो है 31 इंचेस तक की लेंथ का हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे जो डियर डायरियो एक्सपैंड 1 है वो बिना एक्सपैंड करे जो है 14 इंचेस का है, और यहाँ पे अगर आप इसको एक्सपैंड करते हो
तो ये जो है अप टू 24 इंचेस हो जाते हैं, जो कि बहुत बढ़िया चीज है। और यहाँ इस एक्सपेंडिंग कैपेबिलिटी के साथ आपको काफी फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है कि सपोज आपको फुल एक्सपेंड नहीं करना पेडल बोर्ड, आपको पार्शली एक्सपेंड करना है, तो आपको जितनी भी रिक्वायरमेंट है आप उतना एक्सपेंड करो पेडल बोर्ड और यहाँ पे लॉक कर दो, तो यहाँ पे ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। सेम चीज आपको एक्सपेंड टू में भी देखने को मिल सकती है। तो जैसे यहाँ पे मैंने फुल एक्सपेंड कर रखा है, सपोज मेरे को पार्शली एक्सपेंड करना है, मेरे को ज्यादा जगह नहीं चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, बस इतनी एक्स्ट्रा स्पेस मैंने ली, यहाँ पे लॉक किया और ये जो है अपनी जगह से नहीं हिलेगा। और इन पेडल बोर्ड्स में आपको जो है टॉप पे भी वेलक्रो मिल जाती है और बैक में भी वेलक्रो मिल जाती है, इवन जो इसका एक्सपेंडेबल पार्ट है उसमें भी टॉप और बैक दोनों में आपको वेलक्रो मिल जाती है। तो इसका मेन बेनिफिट आपको रहेगा कि आप अपने पेडल्स ऊपर लगा सकते हो और बैक में जो है पावर ब्रेक लगा सकते हो। तो ये जो डबल साइडेड वेलक्रो है ये एक स्पेस सेविंग फीचर है। और यहाँ स्पेस की बात करें तो मैं आपको बता दूं, जो एक्सपेंड वन है उसमें आप 4 to 8 रेगुलर साइज पेडल्स लगा सकते हो, और ये जो एक्सपेंड टू है इसमें आप 10 टू 20 पेडल्स लगा सकते हो। इसके अलावा पेडल्स को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने के लिए और एक क्लीन सेटअप के लिए यहाँ पे आपको जो है केबल ऑर्गेनाइजर्स मिल जाते हैं, जो कि मैंने इस पेडल बोर्ड में लगाकर दिखाए हुए हैं। आगे जो है जब मैं पेडल्स असेंबल करूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा प्रॉपरली ये कैसे यूज करते हैं। इसके अलावा इन दोनों पेडल बोर्ड्स के साथ आपको वेलक्रो भी मिलती है, जिससे जो है प्रॉपरली अटैच कर सकते हैं पेडल्स को पेडल बोर्ड पे। इसके अलावा इन पेडल बोर्ड्स की एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सेसरी भी आती है जिसको बोलते हैं पेडल राइजर, और इसमें आपको सिंगल पेडल राइजर एज वेल एज डबल पेडल राइजर देखने को मिल जाता है। ये पेडल राइजर्स काफी यूजफुल है क्योंकि ये आपके पेडल को एलिवेट कर देते हैं बाय 1 inch। और ये पेडल राइजर काफी यूजफुल है अगर आपको जैसे एक पेडल थोड़ा सा एलिवेट करके रखना है। आगे पेडल बोर्ड बिल्ड करते टाइम भी जो है मैंने इसको यूज किया है और एक एग्जांपल भी दिया है। तो चलो अब पेडल्स अरेंज करते हैं। सबसे पहले मैं एक्सपेंड टू पे आपको पेडल्स लगा के दिखाऊंगा, उसके बाद जो है मैं आपको एक्सपेंड वन पे भी पेडल्स लगा के दिखाऊंगा। तो पेडल अरेंजमेंट में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस पावर ब्रिक के साथ। तो आप देख सकते हो यहाँ डबल वेलक्रो का कितना फायदा है। यहाँ पे नीचे की तरफ मैंने जो है पावर ब्रिक को लगा दिया है, और यहाँ पे पेडल्स को लगाने के लिए मैं यूज करूंगा डीडारियो की पैच केबल्स। तो चलो पेडल्स लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है मैं एक बेसिक बिल्ड करूंगा, इसमें जो है मैं पेडल बोर्ड को एक्सपेंड नहीं करूंगा, और देखते हैं कितने पेडल्स मैं लगा पाता हूँ इतने ही एरिया में। तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह बची थी और यहाँ पे मैंने अपना फिट कर लिया है कोरस पेडल। और पैच केबल्स लगाने से पहले यहाँ मैं पेडल्स को जो है पावर ब्रिक से कनेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पे एक एक करके जो है मैं सारे पेडल्स को पावर ब्रिक से कनेक्ट कर रहा हूँ। बस यहाँ पे 2-3 ऐसे पेडल्स होंगे जिनमें मैंने बैटरी लगा रखी है, और यहाँ पे केबल मैनेजमेंट के लिए जो क्लिप्स दे रखे थे उनमें जो है मैंने ये सारी केबल्स अच्छे से लगा दी है। और अब मैं जो है पैच केबल लगाना शुरू कर रहा हूं। तो यहाँ पे भाई फटाफट जो है पैच केबल्स को कनेक्ट करते हैं, और यहाँ बीच बीच में भाई आपको जो है 1-2 लॉन्ग वायर्स भी चाहिए हो सकती है। तो भाई अपना पेडल बोर्ड ऑन हो गया है, इट इज रेडी टू यूज, और यार बड़े अच्छे से सारे पेडल्स अरेंज हो गए। और यहाँ पे जो मैंने पेडल राइजर के बारे में बात की थी वो भी आपको दिखाना चाहूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये पेडल ऑलमोस्ट 1 inch ऊपर हो गया है बाकी पेडल से, तो इसको यूज करना बड़ा इजी रहेगा। जैसे कि ये PA6 है, तो इसमें अगर मेरे को पिच शिफ्टर यूज करना है तो मैं बड़ी कन्वीनियंटली यूज कर सकता हूँ विदाउट इफेक्टिंग अदर पेडल्स। तो बिना एक्सपेंड करे मैंने यहाँ पे 9 पेडल्स लगाए, और अगर मेरे को एक वा पेडल रखना हो तो वो मेरे को बाहर रखना होगा पेडल बोर्ड से। तो यहाँ पे जो है ये एक्सपेंडेबल फीचर बहुत काम आता है। तो चलो पेडल बोर्ड को एक्सपेंड करते हैं और देखते हैं कि किस तरह हम और पेडल्स ऐड कर सकते हैं और क्या क्या कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। तो यहाँ एक्स्ट्रा स्पेस की वजह से मैं अपने वा पेडल को पेडल बोर्ड में ही प्लेस कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे मैं अपना 10 बैंड इक्वलाइजर भी ऐड कर सकता हूँ इसमें बड़ी कन्वीनियंटली। इसके अलावा यहाँ पे मैं अब ये जो फेंडर का डीलक्स रिवर्ब है इसको भी ऐड कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं जो है नॉइस सप्रेसर भी ऐड कर सकता हूँ अब पेडल बोर्ड पे। और यहाँ पे ऑल द पर्पस ओवरड्राइव पेडल है, लेकिन ये डंबल ड्राइव पेडल भी मैं ऐड करना चाहूंगा इस पेडल बोर्ड में। और अभी भी स्पेस बची है तो मैं एक फ्लेंजर का पेडल भी ऐड करना चाहूंगा अपने पेडल बोर्ड में। और मेरे पास एक मिनी लूपर पेडल है जो कि बड़े आराम से फिट हो सकता है इस पेडल बोर्ड में। अब मेरे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रिक गिटार का एक पूरा सेटअप है, लेकिन मेरे को अकूस्टिक गिटार का भी एक सेटअप चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक अकूस्टिक गिटार का सेटअप भी कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ मैंने जूम का AC3 लगाया है जिसमें भी सारे इफेक्ट्स हैं, तो ये एक ऑल इन वन अकूस्टिक गिटार प्रोसेसर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक इलेक्ट्रिक गिटार की पूरी सिग्नल चेन है। इसके अलावा अगर मेरे को अकूस्टिक गिटार प्ले करना है तो उसके लिए भी अब एक डेडिकेटेड प्रोसेसर मैंने यहाँ अटैच कर दिया पेडल बोर्ड पे।
और यहाँ पे स्पेस थी तो मैंने मिनी लूपर पेडल लगा दिया और यहाँ पे भाई एक बहुत अच्छी रिग बन गई मेरी अकूस्टिक और इलेक्ट्रिक गिटार की। एक और बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है कि मेरे को सपोज अपना एम्पलीफायर यूज़ करना है तो मैं उसका फुट स्विच लगा सकता हूँ, अपना वाह पेडल लगा सकता हूँ, इसके अलावा कुछ और पेडल्स जैसे कि नॉइस सप्रेसर हो गया वो लगा सकता हूँ, इक्वलाइजर लगा सकता हूँ। तो इस तरह बड़े सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है इस पेडल बोर्ड में। एक और इंटरेस्टिंग ऑप्शन मैं क्रिएट कर सकता हूँ कि जैसे इलेक्ट्रिक गिटार की सिग्नल चेन मेरी बनी है और मैं ओकेजनली बेस गिटार प्ले करता हूँ तो यहाँ मैं कुछ अपने बेस गिटार के पेडल्स भी लगा सकता हूँ, और अभी भी इसमें स्पेस है तो यहाँ पे और भी पेडल्स लगाने का स्कोप है। लेकिन आप देख सकते हो कि कितना वर्सेटाइल पेडल बोर्ड है कि आप जो है अकूस्टिक गिटार हो, इलेक्ट्रिक गिटार हो, इवन बेस गिटार के पेडल्स जो है एक साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। और यहाँ सपोज मेरे को बेस गिटार प्ले करना है, इसके अलावा अकूस्टिक भी प्ले करना है, इलेक्ट्रिक भी प्ले करना है, सब चीज़ें इस पेडल बोर्ड पे लगानी है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ मैंने अकूस्टिक का प्रोसेसर लगा दिया और यहाँ जो है मैंने अपने बेस गिटार के पेडल्स अरेंज कर लिए इस पेडल बोर्ड पे। तो ये एक्सपेंडेबल फीचर डेफिनेटली बहुत यूजफुल है और बड़ा वर्सेटाइल है। अब बात करें एक्सपेंड वन की, जो कि एक मिनी पेडल बोर्ड है, तो इस पे आप जो है 3 से 4 रेगुलर साइज पेडल लगा सकते हो और इस पेडल बोर्ड पे आप 4 से 5 मिनी पेडल्स लगा सकते हो। और यहाँ पे मेरे पास 2 एक्स्ट्रा पेडल्स थे जो कि भाई अभी तो मैं नहीं लगा पाया, लेकिन यहाँ पे ये एक्सपेंडेबल फीचर अगेन बड़ा यूजफुल रहता है। तो यहाँ पे मैंने पेडल बोर्ड को जैसे एक्सपेंड कर दिया तो यहाँ अपने पास एक्स्ट्रा स्पेस आ गई और अब इस पेडल बोर्ड पे जो रिमेनिंग 2 पेडल्स थे वो मैं लगा सकता हूँ। और यहाँ इस एक्सपेंडेबिलिटी का फुल एडवांटेज लेने के लिए आप जो है मिनी पेडल्स के साथ साथ कुछ रेगुलर पेडल्स भी लगा सकते हैं। तो इस तरह आप अपना पेडल बोर्ड ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अलग अलग साइज के पेडल्स लगाकर। तो पेडल बोर्ड बिल्ड करने में काफ़ी मज़ा आया है। यहाँ पे इन पेडल बोर्ड्स में जो एक्सपेंडेबल फीचर है उससे मेरे को इतनी सारी वर्सेटैलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दिखी जो कि यूजुअली मेरे को किसी और पेडल बोर्ड में नहीं दिखती। अब बात करें प्राइस की, तो जो DAW एक्सपेंड 1 है वो आता है अराउंड 8500 का और जो एक्सपेंड 2 है ये आता है अराउंड 18000 का। डेफिनेटली इन पेडल बोर्ड्स का एक प्रीमियम प्राइस टैग है, लेकिन अगर आप इनकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी देखो कि ये पेडल बोर्ड जो है एल्युमिनियम के बने हैं और यहाँ पे आपको जो है एक काफ़ी स्टर्डी और स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन देखने को मिलती है। इसके अलावा जो है काफ़ी थॉटफुल डिज़ाइन है, चाहे वेलक्रो को देख लो कि डबल साइडेड वेलक्रो लगी है ताकि आपको मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइजेशन हो टॉप पर पेडल बोर्ड के। और इसका जो मेन फीचर है एक्सपेंडेबिलिटी, जो कि इसको बहुत ही स्पेशल और यूनिक बनाता है, क्योंकि ये वाला फीचर मैंने शायद ही किसी और पेडल बोर्ड में देखा होगा और इस फीचर की वजह से आप जो है एक काफी फ्लेक्सिबल सेटअप कर सकते हो। इसके अलावा अलग अलग सेटअप भी कर सकते हो, जैसे कि इलेक्ट्रिक गिटार का सेटअप हो गया, अकूस्टिक गिटार का सेटअप हो गया, बेस गिटार का सेटअप हो गया एक ही पेडल बोर्ड पे। तो ये फीचर मेरे को काफी अच्छा लगा। तो जैसा प्रीमियम प्राइस है वैसे ही प्रीमियम प्रोडक्ट है और DAW नेवर डिसअपॉइंट्स। DAW हमेशा ही बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाता है और मेरे हिसाब से पेडल बोर्ड वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि चाहे आपके पास काफ़ी सारे पेडल्स है कि आप ये पेडल बोर्ड लेकर सारे पेडल्स अरेंज कर ले, या आपने सपोज पेडल्स कलेक्ट करना शुरू किया है और धीरे धीरे आप अपनी कलेक्शन को ग्रो करेंगे पेडल्स की, तो ये पेडल बोर्ड काफ़ी यूजफुल रहेगा कि आपने थोड़े से पेडल्स लगाए, उसके बाद जैसे जैसे आपके पेडल्स और आते गए, ऐड होते गए, तो आपने इसका एक्सपेंडेबल फीचर यूज़ कर लिया। बाकी आप लोग मुझे बताइए कि ये पेडल बोर्ड्स आपको कैसे लगे। अगर आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और आपने चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर दीजिए। साथ ही साथ उस बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।